हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले की, जो ये खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 9 जुलाई को दोपहर के 3 बजे से। और इसका लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। सबसे पहले मैं आपके पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। पिच काफी अच्छा है बैटिंग के लिए, धीरे धीरे काफी ज्यादा ड्राई होता जाता है ट्रैक, तो बाद में स्पिनर्स को हेल्प मिल सकती है, विकेट और स्लोअर साइड हो सकता है। तो जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने का फैसला करना चाहेगी, क्योंकि पहले बैटिंग करना काफी फायदेमंद होगा और स्टार्टिंग में बैटिंग करना भी काफी आसान होने वाला है। अगर मैं वेदर रिपोर्ट के बारे में बात करता हूँ तो वेदर रिपोर्ट ज्यादा दिक्कत वाली नहीं, हालांकि पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, धूप के भी चांसेस नहीं पर बारिश के भी चांसेस नहीं है, पूरे दिन ओवरकास्ट कंडीशन रह सकती है, पर हमको पूरे 50 ओवर का मैच देखने वाला है इस मैच के अंदर भी। सबसे पहले मैं दोनों टीमों की बैटिंग के बारे में बात करता हूँ। तो इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत ही ज्यादा अच्छा खेल रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर, खास करके रोहित शर्मा, जिन्होंने इस मैच के अंदर 5 सेंचुरी मार चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर और 1 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, और अब तक इस टूर्नामेंट के वो हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, तो काफी अच्छी बात है रोहित शर्मा का फॉर्म। उसके बाद लोकेश राहुल ने भी पिछले मैच में सेंचुरी मारी है, उनका फॉर्म भी काफी चल रहा है, और विराट कोहली भी इस टूर्नामेंट अब तक 5 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं, तो उनका फॉर्म भी काफी अच्छा है। इंडिया के टॉप 3 ने इतनी अच्छी बैटिंग करी है कि अब तक इंडिया ने 2295 बनाए, जिसमें से 1449 रन टॉप 3 के हैं, तो आप बता लगा सकते हो कि इंडिया के टॉप 3 कितना ज्यादा डोमिनेट करते हैं। उसके अलावा बैटिंग टेस्ट नहीं हुई है पर इंडिया के टॉप 3 बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं न्यूजीलैंड के लिए सबसे दिक्कत की बात है उनके ओपनर्स, न्यूजीलैंड के ओपनर्स बिल्कुल भी ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड अपने ओपनर्स के बिना ही खेल रहा है। पिछले दोनों मैचों के अंदर न्यूजीलैंड 200 से पहले ऑल आउट हुई है, तो पता लगता है कि न्यूजीलैंड की बैटिंग के अंदर कितनी ज्यादा दिक्कत है। पहले कॉलिन मनरो मार्टिन गप्टिल का कॉम्बिनेशन फेल हुआ, उसके बाद हेनरी निकल्स को टीम में लाया गया, पर पिछले मैच से हेनरी निकल्स भी फेल हो रहे हैं, तो न्यूजीलैंड की ओपनिंग को ध्यान देने वाली जरूरत है। केन विलियमसन का फॉर्म काफी अच्छा रहा है टूर्नामेंट में, 2 सेंचुरी मार चुके हैं, तो केन विलियमसन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा टीम का। रॉस टेलर का परफॉर्मेंस भी इतना बुरा नहीं रहा, एवरेज बैटिंग करी रॉस टेलर ने भी, पर रॉस टेलर भी अच्छी फॉर्म में दिखे हैं, और पिछले मैच में टॉम लेथम ने भी 1 हाफ सेंचुरी मारी, हालांकि पहले टूर्नामेंट में वो फ्लैप रहे हैं, पर पिछले मैच में टॉम लेथम ने भी अच्छी 1 हाफ सेंचुरी मारी, तो वो भी फॉर्म में आ गए हैं। तो वैसे देखा जाए तो इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है न्यूजीलैंड से, और जरूर से उनको डोमिनेट करना चाहेगी इंडिया की टीम। अब मैं बात करता हूं दोनों टीमों के फास्ट बॉलर्स के बारे में। तो इंडिया की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग करी जसप्रीत बुमराह ने, और 17 विकेट लिए हैं अब तक, इकोनॉमिकल भी काफी रहे जसप्रीत बुमराह और काफी अच्छे विकेट भी लिए हैं। वहीं उसके अलावा मोहम्मद शामी ने भी विकेट लिए, उन्होंने मैच 3-4 कम खेले हैं, हालांकि इकोनॉमी मोहम्मद शामी की इतनी अच्छी नहीं है, पर विकेट काफी अच्छे मिले मोहम्मद शामी को, तो इंडिया जरूर से मोहम्मद शामी के ऊपर भी रिलाई करेगी। थर्ड बॉलिंग ऑप्शन भुवनेश्वर कुमार है, जिनका भी थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, इंजरी की वजह से उन्होंने मैचेस मिस किया। वहीं अगर मैं न्यूजीलैंड के बारे में बात करता हूं, ट्रेंट बोल्ट ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया बॉलिंग के अंदर, वो उनके गो टू बॉलर हैं, वापस से उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद होने वाली है। उसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन ने भी काफी अच्छा काम किया मिडल ओवर्स के अंदर, उनकी शॉर्ट बॉल और स्लोअर बॉल्स काफी अच्छा काम कर रही है, उन्होंने सेकंड बॉलर का रोल बहुत अच्छे से निभाया है। थर्ड बॉलर के देखने में बात होगी कि टिम साउदी को मौका मिलता है या फिर मैट हेनरी को मौका मिलता है, क्योंकि मैट हेनरी ने स्टार्टिंग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, पर उसके बाद वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। टिम साउदी को पिछले मैच में मौका मिला था, हालांकि वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं रहे थे, तो देखने वाली बात होती कि क्या इस मैच में टिम साउदी को वापस मौका मिलता कि नहीं मिलता। फास्ट बॉलिंग दोनों टीमों की अच्छी है और इन दोनों में डिफर करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर मैं स्पिन बॉलिंग के बारे में बात करता हूं तो इंडिया की तरफ से युजवेंद्र चहल ने काफी अच्छी बॉलिंग करी है, उन्होंने 11 विकेट लिए टूर्नामेंट के अंदर, हालांकि उनकी इकोनॉमी भी ज्यादा अच्छी नहीं रही पर उन्होंने विकेट काफी अच्छे लिए हैं। कुलदीप यादव के लिए वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं किया, उन्होंने 6 मैचों में से 5 विकेट लिए हैं, तो ये देखने वाली बात होने वाली कि कुलदीप यादव किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं इस मैच के अंदर और क्या उनको चांस मिलता है कि नहीं मिलता। वही न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सैंडनर को इतने ज्यादा मौके नहीं मिलते बॉलिंग करने के, हालांकि काफी अच्छे डिफेंसिव बॉलर को इतने विकेट नहीं मिलते, पर इकोनॉमी काफी अच्छी रहती मिचेल सैंडनर की, पर फिर भी मैं चाहूंगा मेरे हिसाब से स्पिनर काफी अच्छे हैं इंडिया के पास में। अगर मैं दोनों टीमों के ऑलराउंडर्स को कंपेयर करता हूं तो इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस बैटिंग और बॉलिंग से काफी अच्छा रहा है, उन्होंने बैटिंग में काफी अच्छी पिंच हिटिंग करी है, स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा अच्छी रहती है, और पिछले कुछ मैचों से वो बॉलिंग में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है। वही न्यूजीलैंड अपने 2 ऑलराउंडर्स का खेलता है, खासकर जिमी नीशन का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, उन्होंने बॉलिंग भी काफी अच्छी करी है, फील्डिंग भी काफी अच्छी करी है, और बैटिंग में भी जब जब उनसे प्रदर्शन की उम्मीद थी तब तब जिमी नीशन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वही कॉलिन डी ग्रैंडहोम का बॉलिंग में प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, पर कुछ मैचों में उन्होंने बैटिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम और जिमी नीशम 2 ऑलराउंडर है, तो मुझे लगता है कि ऑलराउंडर के मामले में न्यूजीलैंड एज करता है और न्यूजीलैंड का थोड़ा सा फायदा हो सकता है अपने ऑलराउंडर्स के मामले में।
अब मैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करता हूँ। प्लेइंग 11 ऐसी बात है कि इंडिया को देखने वाली बात होगी कि वापस से वो रविंद्र जडेजा को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। पिछले मैच में जडेजा ने 10 ओवर में 40 रन देकर एक विकेट लिया था, काफी अच्छी बॉलिंग करी थी। तो अगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जडेजा को खिलाना चाहिए, वो आपको बैटिंग भी अच्छी करके दे सकते हैं, बॉलिंग में भी काफी अच्छा ऑप्शन है। तो अगर जडेजा खेलते तो इंडिया में दो रिस्क स्पिनर्स को नहीं खिलाएगा, तो मुझे लगता है कि कुलदीप को आराम मिल सकता है। मेरे हिसाब से इंडिया की ये प्लेइंग हो सकती है। ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा, केएल राहुल, नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे ऋषभ पंत, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे एमएस धोनी, नंबर 7 के ऊपर आपके आते रविंद्र जडेजा, फिर भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह। तो काफी अच्छी लाइनअप है, 6 आपके पास बॉलर हो जाते हैं रविंद्र जडेजा की वजह से, और आपके पास पेस बॉलिंग भी काफी अच्छी, स्पिन डिपार्टमेंट जडेजा और चहल संभाल सकते हैं। अगर मैं न्यूजीलैंड के बारे में बात करता हूं, न्यूजीलैंड को टीम में ज्यादा चेंज करने का मतलब बनता नहीं है। लॉकी फर्ग्यूसन पिछले मैच में इंजर्ड थे, तो वापस आ जाएंगे टीम के अंदर। हेनरी निकल्स को अच्छी ओपनिंग करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इस मैच में टीम साउदी का एक्सपीरियंस काम आएगा, तो टीम साउदी को भी खिलाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये 11 हो सकती है न्यूजीलैंड की। ओपनिंग करेंगे मार्टिन गप्टिल, हेनरी निकल्स, नंबर 3 पे केन विलियमसन, नंबर 4 पे रॉस टेलर, नंबर 5 पे टॉम लेथम, फिर जिमी नीशम, कॉलिन डी ग्रैंडहोम, मिचेल सैडनर, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन। काफी स्टेबल टीम है न्यूजीलैंड की भी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वो क्या लगता है ये मैच कौन जीतने वाला है। अगर मैं बात करता हूं ड्रीम 11 टीम की, तो आपकी स्क्रीन पे आने वाली 3-2-1। अब मैं बात करता हूँ बैटल टू वॉच आउट फॉर के बारे में। तो मेरे लिए बैटल टू वॉच आउट फॉर रहने वाला है रोहित शर्मा वर्सेस ट्रेंट बोल्ट के बीच में। रोहित शर्मा शुरुआत में बहुत ही ज्यादा शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, और ट्रेंट बोल्ट सबसे अच्छे बॉलर हैं न्यूजीलैंड के, पर रोहित शर्मा का फॉर्म लेफ्ट आर्म बॉलर के खिलाफ इतना शानदार नहीं रहता। अगर मैं वर्डिट के बारे में बात करता हूँ, मेरे साथ फेवरेट इंडिया रहने वाली इस मैच को जीतने का। इंडिया ये मैच जीत जानी चाहिए, पर न्यूजीलैंड को हराना आसान नहीं होने वाला है। हालांकि न्यूजीलैंड की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है, पर न्यूजीलैंड ने हमेशा इंडिया को तंग किया है, पर मुझे लगता है ये मैच इंडिया जीतेगी और फाइनल के अंदर पहुंच जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो को पसंद जरूर से आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो का बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।